फेवर मांगो परमेश्वर से, आपको लोगों से। बाइबल में एक वचन है, हम बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी फेवर मेरे ऊपर आ जाए, बट बाइबल में क्लियर कट लिखा हुआ है, यीशु मसीह बड़ा हो गया, ऐसे लिखा हुआ है, ही ग्रो इन स्टैचर एंड इन फेवर विद मेन एंड गॉड। आदमियों के लोगों को, लोगों से भी फेवर आना शुरू हो गया यीशु मसीह को, और परमेश्वर से भी आना शुरू हो गया। हम लोग बहुत बार मूर्ख होने के नाता प्रार्थना करते, बोलते बस सब कुछ तू करेगा, बट परमेश्वर करेगा किसी के द्वारा। यीशु मसीह किसी के द्वारा आपको आशीष देता है, डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा। बहुत मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग, बहुत बार लोग, जब मेरे को किसी से लेन देन नहीं है, मैं अकेला रहूंगा, अकेला परमेश्वर भी कुछ नहीं करता। वो करने का ताकत रखा बट वो करता नहीं है। वो आज इसी जगह में आके डायरेक्ट हील कर सकता है, बट परमेश्वर बोल सकता है जब तक तुम लोग पुकारेंगे नहीं, जब तक तुम लोग माइक लगाएंगे नहीं, कुर्सी लगाएंगे नहीं, मैं प्रेजेंस नहीं करूंगा। हमारी परमेश्वर पार्टनरशिप में काम करना विश्वास रखता है। हम लोग बहुत बार फेवर नहीं चाहता लोगों से, हम सोचते सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके किसी के द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, परिवार के द्वारा, अनजान व्यक्ति को भी लेके उनके द्वारा कर सकता है। आज के दिन में परमेश्वर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह जैसे तेरे ऊपर लोगों की फेवर था, तेरे ऊपर अथॉरिटीज की फेवर था, परमेश्वर मुझ में भी वो फेवर हो, मेरी उस सिचुएशन को बदल पेदा परमेश्वर। एक फेवर आपकी सालों साल की मेहनत खत्म कर सकता है। आपको 5 साल काम करना पड़ेगा घर के लिए, डाउन पेमेंट इकट्ठा करने के लिए, बट परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में भेज सकता है, वो डाउन पेमेंट आपके लिए मदद कर सकते हैं, आपकी 5 साल आपको बचा सकते हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं, मुझे फेवर नहीं चाहिए, फेवर जब आएगा आपकी आपकी टाइम परमेश्वर बचाएगा। बट बहुत बार अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से हम पहचानते नहीं हमारे डिवाइन हेल्पर कौन है, हमारी जिंदगी में जो प्लेस किसका है। हम सबको उसी झूठे नजर से, उसी शक की नजर से हम देखते हैं। एक बार मार खाया, सब बंदा, सब व्यक्ति, सब औरत, सब आदमी एक ही जैसे है। अपनी चलाकी एटीट्यूड को साइड में रखे, जब सिंपल में जाएंगे हमारे आंख खुलेगा, परमेश्वर हमें दिखाएगा तुझे फेवर कहां से मिलेगा। जैसे यीशु मसीह आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर जैसे यीशु मसीह फेवर और विजडम और स्टैचर और अथॉरिटी में लोगों को, लोगों से भी आशीष लिया उस टाइम में, उसकी अथॉरिटियों से, मां बापों से, रिलेटिव से, एसोसिएशन से। परमेश्वर यीशु मसीह 30 साल उम्र तक व्यापारी था, वो कारपेंटर का काम करता था, ठेकेदार था वो। 8 साल की उम्र में भी उसने, 8 या 10 साल की उम्र में भी उसके पास नॉलेज था, वो कर सकता था, बट 3.5 साल की मिनिस्ट्री के लिए 22 साल उसने लोगों के साथ काम किया, फेवर में ग्रो किया, स्टैचर में ग्रो किया, अथॉरिटी में, नॉलेज में ग्रो किया। परमेश्वर से बोल दो, प्रभु सेम फेवर, जो सेम अनॉइंटिंग, जो सेम ग्रेस, जो यीशु मसीह के ऊपर तूने हाथ रखा था, परमेश्वर तू हमारा अब्बा पिता है, मेरे ऊपर भी हो। अगर आप सीरियस हो फेवर एंड स्टैचर विद मेन, लोगों के बीच में से, लोगों से भी आपको चाहिए, परमेश्वर आपको डिवाइनली पोजीशन किया जाएगा, जहां बारिश होना है उसी जगह में आपको लेके जाएगा, आपको पानी की जरूरत के लिए, आप पानी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर लेके जाएगा आपको, बाइक में बिठा के कोई ले जाएगा, आपके ऊपर बारिश आएगा। ओ डिवाइन हेल्पर्स, ओ लोग आज फेवर करो, परमेश्वर मेरी हालत को बदल, कोई मुझे सपोर्ट करना नहीं चाहता, कोई मैं अकेला खड़ा हूं। हम बहुत बार कमेंट लेते हैं इसमें, मैं अकेला सब कुछ करता है, कोई सेल्फ कुछ नहीं कर सकता, अकेला टीम के अलावा, परिवार के अलावा, फैमिली के अलावा कुछ नहीं कर सकता, आदमी अकेला बच्चा नहीं पैदा कर सकता, दो बंदे की जरूरत है। परमेश्वर टीम वर्क के साथ करता है हर चीज, परमेश्वर आपको लेके देगा, आप में वो कैपेबिलिटी मांगो, कैरेक्टर मांगो, जो चीज को संभाल सके आने वाले टाइम में, आशीष जो आने वाला है उसको संभाल सकते हैं। प्रार्थना आपको करना है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यक्तियों से मैं आज इसी टाइम बात कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल में जाना है। जैसे मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर मुझे कह रहा है ऐसे सक्सेस अचीव करने वाला है, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है इसी टाइम में, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम सक्सेस, आपने जो सोचा नहीं, देखा नहीं, ना आंखों ने देखा, बट आपको बिल्ड करना है। सक्सेसफुल होने के बाद आप फट सकते हैं, खत्म हो सकता है, उस सीओ कुर्सी पे पहुंचने के बाद, उस अमीर बनने के बाद, शादी होने के बाद आप खत्म हो सकते हैं। आपने हो सकता है 10 साल प्रार्थना किया मेरा शादी हो, बट आपको हस्बैंड वाइफ बनकर रहना नहीं आता तो आप डिवोर्स हो जाएंगे, आपकी आपकी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो सकता है। इसलिए आज बस इसी टाइम परमेश्वर मांग रहे, प्रभु मुझे कैरेक्टर बिल्ड कर मेरा, मैं सक्सेस को संभाल पाऊंगा, मैं जीत को संभाल पाऊंगा, मैं उसको स्पॉन्ज जैसे
खींच पाऊंगा पिता परमेश्वर, अपने आप पर ले सकता हूं। जो 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 विजन परमेश्वर दिखा रहे वो बहुत बड़ा है, जो कार्य परमेश्वर करने वाला बहुत बड़ा है, उसके लिए बस अपनी विजन रखो, अपने आप को बिल्ड करो। इसी टाइम आप चाहते हैं जो टाइम से जो सक्सेस मांग रहे हैं, टाइम आने वाला है, अब एंटर करने वाला, आपको ये टाइम उसी टाइम आपकी आंखों में, आपकी आवाजों में, आपकी खानों में गूंजेंगे। आपको पता चलेगा परमेश्वर मैं सक्सेस के लिए प्रार्थना किया, मेरा दिन आ गया। आपको कैरेक्टर बिल्ड करो। अंग्रेजी में इसका कहावत है, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जो आपको अब तक लेके आया वो आगे नहीं ले जा सकता। स्ट्रेटजीज बदलना है, गियर बदलना है। गाड़ी 20 किलोमीटर पहुंचता है, ड्राइवर का सीट गियर सेकंड या थर्ड पे डालता है, क्योंकि उसको पता है फर्स्ट गियर में नहीं जा सकता, सेकंड गियर में नहीं जा सकता। कैरेक्टर बदलना है, जैसे गाड़ी बदलते हैं कैरेक्टर को, और एफिशिएंसी में और नेक्स्ट लेवल में जाना है। अपने आप को पुश करो इसी टाइम में। परमेश्वर सब कुछ आपकी प्रार्थना के टाइम में करता है, आपको अनॉइंट करता है, आपको मसा करता है इसी टाइम में। अगर आप सीरियस हो परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर मुझे कैरेक्टर दो, मुझे कैरेक्टर दो, मुझे बिल्डअप करने के लिए, मुझे आगे जाना है, तेरी 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 कार्य लेके आगे जाना है। जो सक्सेस मैंने मांगा, जो बरकत मैंने मांगा, जो मकान मैंने मांगा, देव परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं बड़े मकान के लिए, बट वो मकान मिलने के बाद उसको गंदा रखते हैं। आपने देखा होगा, कभी साफ सफाई नहीं होता, गाड़ी कभी साफ सफाई नहीं होता। आशीष मिलने के बाद वो रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर क्यों उल्टा बोल रहा है, तूने देख एक गलती कर लिया, बट आपको जो दे रखी है उसको संभालेगा नहीं। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स में ले जाएंगे। आज संभालने की ताकत रखो, मांगो परमेश्वर से, प्रभु मेरा कैरेक्टर को बिल्ड कर, मेरी मेरी एरिया को बिल्ड कर परमेश्वर, मैं नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता हूं मेरा मसीहा। पिता मेरा पिता, तू जानता है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तेरी तेरे तक हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना पहुंच जाता है पिता परमेश्वर। पिता तू बहरा नहीं है, तू अंधा नहीं है, तू समझदार, सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला, जिंदा परमेश्वर है। पिता जैसे हम जिंदा है, देख सकता है पिता परमेश्वर, सुन सकता है, तू सब कुछ देख सकता है। हमारे दिल में छुपी हुई बात तक तू देख सकता है, हमारी जो हम बोलना नहीं चाहता वो तक तू सुन सकता है पिता परमेश्वर। पिता मैं जानता हूं इसी कलीसिया में, इसी टाइम ऐसे से लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं से, अपने दिल से बहुत सारे चीज तेरे तक पहुंचाना चाहता है पिता परमेश्वर। पिता तू सब कुछ सुनने वाला हमारी अब्बा है, हमारी परमेश्वर है। यीशु धन्यवाद इस ग्रेस के लिए। ओ पिता हम बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तूने हम जैसे पापी, मुझ जैसे पापी, हम जैसे जीरोस को, फेलियर्स को तूने बुलाया पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए। यीशु जब तू जो नंबर वन है और हम जीरो जब ऐड होता है पिता परमेश्वर, बड़ा बड़ा कार्य तो हमारे द्वारा करता है पिता परमेश्वर। पिता हम अकेला जीरो है, बट जब तू हमारे साथ खड़ा रहता है पिता परमेश्वर, हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगा। जितनी जीरो ऐड होते जाएगा पिता परमेश्वर, उतनी बड़े नंबर, बड़े संख्या बनते जाएगा। यीशु तू ही नंबर वन है हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में। अगर आप अपनी लाइफ में यीशु को नंबर वन नहीं बनाया, अपने व्यापार में, अपनी करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी एकेडमिक्स में, अगर आप ट्यूशन टीचर के ऊपर ज्यादा विश्वास है यीशु से ज्यादा, आपकी बुद्धि मैं नहीं जानता हूं कैसे, अगर आप परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं, आप लोगों की बात विश्वास करते हैं, आपकी बेटा फेलियर होगा, आपकी लोग फेलियर होंगे, आप भी बोलते जा रहे हो, बस विश्वास नहीं करना। सातान अंधकार दुष्टात्मा की इस स्ट्रैटेजी को अपने मुंह से नहीं निकलना। परमेश्वर को बोलो प्रभु जब मेरा बेटा बेटी हो सकता है जीरो है, बट तू उनके साथ रहेगा, वो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा पिता परमेश्वर। पिता हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य, तेरे लोगों को आज के दिन में अनॉइंट कर पिता परमेश्वर, तेरे कार्य के लिए, तेरे राज्य के लिए। पिता वचन पिता बहुत बार बांटे जाता है, बट बहुत बार वो पत्थर के ऊपर नदियों में अलग अलग जगह जाता है पिता परमेश्वर, बहुत बार रिजल्ट नहीं लेके आता, बट तेरे अपने वचन में तूने लिखा है सही जगह सही खेत में डाला जाएगा, सही वातावरण में वो फल लेके आता है। पिता मेरा प्रार्थना है जो आज की वचन जो वचन जो जाएंगे पिता परमेश्वर, लोगे सही खेतों में जाए पिता परमेश्वर, सही दिमागों में जाए पिता परमेश्वर, वो फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर, उनके लाइफ फ्रूटफुल हो, लाइफ से रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, बिजनेस से रिजल्ट आए, ऑफिस से रिजल्ट आए, करियर से रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए पिता परमेश्वर। पिता बहुत बार हस्बैंड वाइफ आवाज बनाते हैं पिता परमेश्वर, लड़ाई पैदा करता है, बट उनके बीच में से प्यार पैदा हो पिता परमेश्वर, वो रिजल्ट प्यार आए पिता परमेश्वर। पिता सबको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में, इसी टाइम में जो मेरी आवाज सुन पा रहे पिता परमेश्वर, सब जो इस कलीसिया में, इस क्लाउड में तेरी फेवर के अंडर है पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी मनों को प्रिपेयर कर इसी टाइम पिता परमेश्वर, हमारी मनों को प्रिपेयर कर पिता। हमने प्रार्थना किया, आप वचन से हम सुनना चाहता हूँ पिता परमेश्वर,
पिता मिरेकल्स अद्भुत सब कुछ तो हमारी जिंदगी में कर सकते हैं, बट पिता परमेश्वर हमारी लाइफ में एवरलास्टिंग चेंज तेरे वचन नहीं है कुछ नहीं लेके आ सकते। हम अद्भुत ले सकते हैं, मिरेकल ले सकते हैं, वापस उसी जगह में वापस जा सकता है। किसी के लिवर तू ठीक करा सकता है पिता परमेश्वर, पर तेरे वचन नहीं घुसेंगे तो उसी दारूबाजी में वापस जा सकता है पिता परमेश्वर, और बड़ी बीमारी के साथ वापस आ सकता है। बट पिता जब अद्भुत अनुग्रह अपनी लाइफ में लेते हैं पिता परमेश्वर, दिमागों को भी चेंज कर पाए पिता परमेश्वर, उनके दिलों को चेंज कर पाए पिता परमेश्वर। पिता दिलों को, दिमागों को, लॉजिक को और अंडरस्टैंडिंग दोनों को तेरे हाथों में लो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने दिल से बात कर, लोगों के दिल से बात कर पिता परमेश्वर। पिता बहुत बार मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, पिता जब मैं वचन बांटूं पिता परमेश्वर, मैं नहीं बोलना चाहता हूं पिता परमेश्वर, पिता तेरी वचन बोल पाए, तेरी पवित्र आत्मा बोल पाए पिता परमेश्वर। पिता मेरी एटीट्यूड, मेरी कैरेक्टर, मेरी थॉट, मेरी विचार सब चीज मैं साइड में, उस क्रूस में, उस कैलवरी में छिपाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मेरी अहंकार, मेरी घमंड, मेरी कोई चीज ना बोले पिता परमेश्वर, तेरी प्यार, तेरी अभिषेक, तेरी अनॉइंटिंग बोल पाए पिता परमेश्वर। पिता तेरी 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 इफेक्टिवनेस बोल पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता सबको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता हम और आराधना प्रार्थना में जाने के पहले कुछ टाइम वचन में स्पेंड करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। सब जनों को तो आज के दिन में लेके आए धन्यवाद पिता। पिता हम जानते हैं उनके ऑफिस में, व्यापारों में, घरों में तूने सिचुएशन अलाउ किया, उनको आने की मौका दिया पिता परमेश्वर। पिता मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो कलीसिया में आना चाहता है पिता परमेश्वर, बट परिवार के कारण, व्यापार के कारण, ऑफिस के कारण आ नहीं पाया। तूने सचमुच हमें मदद किया आज इस ग्रेस को डायरेक्ट स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद पिता इस अपॉर्चुनिटी के लिए यीशु। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, आराधनाओं को स्वीकार कर पिता परमेश्वर। हमें एक नया जन बना के इस कलीसिया से बाहर लेके चल पिता परमेश्वर। जैसे आया पिता परमेश्वर हम वैसे जाना नहीं चाहता पिता परमेश्वर। तेरी ग्रेस लेके जाना चाहता हूं, तेरी एनॉइंटिंग लेके जाना चाहता हूं, तेरी प्रेजेंस लेके जाना चाहता हूं, नेक्स्ट लेवल में बढ़कर जाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं तू जीवित है, जीवित चीज ग्रो करता है, जीवित चीज चलता है पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी भी ग्रो करेगी, हमारी व्यापार, हमारी करियर, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी बच्चे, हमारी रिलेशनशिप भी ग्रो करेंगे पिता परमेश्वर। तू मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, मरा हुआ चीजों में ग्रोथ नहीं है पिता परमेश्वर। उधर गंद आता है पिता परमेश्वर, बट तू खुशबू लेके आता है पिता परमेश्वर, तू ग्रोथ लेके आता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस प्रेजेंस के लिए, इस अनुग्रह के लिए। पिता मदद कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के अद्भुत नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगर संडे स्कूल है तो आज अंडर 10 ईयर 10 साल की जितनी भी बच्चे आप जा सकते हैं। हमारे लिए बड़े बच्चों के लिए अभी शुरू नहीं हुआ, आने वाले टाइम में लोग बढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके बारे में भी। मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। नीति वचन 26:27 हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, मैं और पढ़ना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आज। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह लुढ़क कर उसी पर लुढ़क आएगा। अंग्रेजी में लिखा है whoever digs a pit will fall into it, if someone rolls a stone it will roll back on them। हमने लास्ट ऑफ द डिस्कस किया था डैनियल की जिंदगी में किसी ने उसके लिए गड्ढा खोया, उसको खत्म करने की कोशिश किया, और डैनियल की परमेश्वर जिन्होंने खोदा उन्हीं को उसी में गिराया। सुना हमने बुधवार, अगर आप आए तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो खत्म करने के लिए आप डैनियल को प्रार्थना किया, डैनियल के अगेंस्ट टारगेट बनाया, उनको सबको परमेश्वर ने खत्म किया। डैनियल जब उस परेशानी में गया, एंजल स्वर्गदूत उसको बचाया। बाइबल में एक और स्टोरी ऐसे, मैंने बुधवार टाइम कम होता है हमारे पास, हमें जल्दी क्लियर करना पड़ता है, इसलिए मैंने वो दूसरी स्टोरी बताई नहीं। एक और स्टोरी है, उसको खत्म करने के लिए उसकी कोलीग ने और प्लान बनाया बाइबल में, ये आपको मिलेगा एस्तर। हम जाएंगे एस्तर, बुक एस्तर, ये भी आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेगा। इसको भी खत्म करने के लिए बहुत बार जब अध्याय जो एस्तर आता है, लोगों की ध्यान अटेंशन जाता है एस्तर के ऊपर, जो क्वीन है उसी के ऊपर, बट इसमें से आप बहुत कुछ एक चीज सीख सकते हैं। वो छुपी पड़ी है एक जगह उसके लाइफ में जो काम हुआ। एस्तर अध्याय 5:12-14 हमान ने ये भी कहा, एस्तर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसी ने मुझको नेवता दिया है। तो भी जब जब तुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। ये है मोर्दकै, जैसे लास्ट हफ्ते मैंने डैनियल के बारे में बताया, इस हफ्ते मोर्दकै नाम एक यहूदी रहता था इसराइल में, 100 साल का उम्र का बंदा था, उसकी अगेंस्ट उसी देश का एक और बंदे ने प्लान बनाया इसको खत्म करने के लिए। प्लान यही था, जब भी ये हामन जो बंदा है वो चल के आता था, ये उड़ के नमस्ते नहीं बोलता था, रेस्पेक्ट नहीं देता था,
बहुत बार होता है ना कि हमने किसी को नमस्ते नहीं बोला, शेक नहीं बोला, तो इतनी गुस्सा हो जाता है, हमें हमारी कुर्सी छीनने की कोशिश करता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है। जो गवर्नमेंट में आता है पैसे में आने के बाद मुझे क्यों इज्जत नहीं देता जी, मेरे ऊपर क्यों नहीं देता, हमारी छोटी सी नौकरी भी परेशान करने की कोशिश करता है। हर जगह ऐसे व्यक्ति है, ऐसे बंदा है। बाइबल में हर स्टोरी हमें दे रखी, उसके पीछे रीजन है, हम कैसे बचेंगे, परमेश्वर में कैसे रहेंगे, परमेश्वर में आगे कैसे बढ़े रहेंगे, इसको खत्म करके लास्ट में क्या लिखा है 14 में पढ़ना। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक फंदा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मौत के लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात ऐसे उसकी घर के सामने हामन ने इससे भी लंबा, 50 फुट तो इससे भी लंबा हो गया ना, क्यों दुनिया को भी देखे हम ऐसे प्लान बनाएंगे, मोर्दकाई को इसी में लटकाए जाएंगे। पुराने टाइम में पनिशमेंट मारने का अलग अलग तरीके, आज के दिन में तो क्रूस में से लटका के किसी को तो नहीं मारता, देश में गलत करने के बाद भी पॉइजन लगाते हैं या गले में वो लगा के मारते हैं ना, पॉइजन कुछ लगा तो इंजेक्शन भी लग के मारते हैं कुछ कुछ देशों में। उस टाइम में अलग अलग तरीके होते थे और ये पोल में लटका का मारना सबसे दर्दनाक मृत्यु था। और ये भी ऐसे वाला स्मूथ नहीं, लकड़ी से बनाया हुआ शार्प, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर दिख नहीं रहा तो आप बता देना, आपको पता चलेगा पोल कहां से निकल के कहां पे आ रहा है। एक पनिशमेंट था, हमारी शत्रु हमारी एनिमी बहुत बार ऐसे प्लान करते हैं हमारे लिए। देख रहे पीछे तक पूरा क्लियर कट, मोर्दकाई को कैसे खत्म करने के लिए प्लान बनाया, ऐसे मोर्दकाई को खत्म करे। उस प्रॉब्लम क्या था, ये मुझे नमस्ते नहीं मारता, मेरी दोनों एक ही देश में एक यहूदी था एक राजा के साथ नौकरी करता था। बहुत बार हमारी एनिमी हमारी शत्रु हमारी रिलेटिव बहुत सारे लोग जलसी के कारण आप उन्नति में जा रहे हैं, बहुत कुछ कारण आपको खत्म करने की कोशिश करेगा और ये दर्द इतनी पेनफुल है, ये लकड़ी से बनाया जाता है, बंदे को बस ऊपर बिठाता है, दर्द उसके अपने शरीर के भार के कारण वो नीचे 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 गिरे, कभी कभार कहते हैं 3 दिन लगता है पूरा बंदा खत्म होने के लिए, बहुत पेनफुल। आप सोच नहीं सकता ना, सोच सकते हो नहीं सोच सकता, कुछ लोगों का पीछे से निकलता है, कुछ लोगों का आगे चेस्ट में से निकलता है, ऐसे पनिशमेंट दिया जाएगा। फोटो हटा दे, हम बहुत बार हमें शत्रु दैनियल को किसके सामने डालने के लिए शत्रु प्लान बना रहा था, शेरों के सामने गुफा में, शत्रु को कोई दया नहीं आता हमारे ऊपर, सातान को कोई दया नहीं, हम सोचते सातान को हमारे ऊपर दया है हमें बचाएंगे, हम सातान के अगेंस्ट प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें भी छोड़ेंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। आपकी परिवार को व्यापार को आपकी दिल में कोई शत्रु का नाम लेने के टाइम किसी बंदे का चेहरा नहीं आना चाहिए, शत्रु कोई बंदा नहीं है, शत्रु सातान है, वो लोगों के द्वारा करवाता है, ना आपके रिलेटिव का ना आपकी नेबर्स का किसी का नहीं आना चाहिए। ऐसे प्लान बनाए जाते हैं हमारी चीजों को खत्म करने के लिए। परमेश्वर ने मोर्दकाई को कैसे बचाया बताएंगे, उसके पहले अध्याय 6 में जाएंगे, बट भजन संहिता में एक वचन है, मैं इसको पढ़ के फिर आगे जाना चाहता हूं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम में आपकी लाइफ ऐसे स्थिति में जा रहे हैं, आपको बताएं आपको फंसाए जा रहे हैं चारों तरफ से, आपको इस पोल के ऊपर इस रोड के ऊपर बिठाने के लिए लोग प्लान बना रहे हैं, आप जानते होंगे शाम भजन संहिता प्रोसनी भजन संहिता 32:7 हम पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे सिचुएशन में है, ये वचन आपके लिए जो बाइबल वर्स में अभी पढ़ रहा हूं, दिस इज फॉर यू। वचन संहिता 32:7 तू मेरे पीछे, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। दोबारा पढ़ो, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरेगा। ग्रीक में लिखा यू आर माय हाइडिंग प्लेस, You will protect me from trouble, surround me with songs of deliverance. अगर आपको लगता है आप ऐसे स्थिति में छुपेंगे कहां पे, हम घर की बेड के नीचे नहीं, कहां छुपेंगे, परमेश्वर के वचन में। मेरा ट्रबल आने के टाइम में मुझे मैं कहां जाके बैठूंगा उसकी प्रेजेंस में, परेशान होने के टाइम मुझे डिलीवर कौन करेंगे, मेरा मसीहा डिलीवर करेगा। अगर आप ये वचन आज का आप यीशु को जानते अपने उद्धार करता परमेश्वर के रूप में पर्सनली स्वीकार किया, आपको इसके ऊपर बिठाने की जगह नहीं होगा, आपको परमेश्वर अलाउ ही नहीं करेंगे। जब आप मोर्दकाई के लाइफ में जब बहुत बार हम इस तरह की किताब पढ़ते हैं, उस
बहुत उसी के ऊपर ही नजर जाता है। बट एस्तर की किताब में परमेश्वर ने एक यहूदी मोर्दकाई 100 साल का बुड्ढे को परमेश्वर ने कैसे बचाया। परमेश्वर सोच सकता नहीं तो 100 साल हो गया आप जाना दो कैसे भी मरना दो, बट परमेश्वर अलाउ नहीं करता। अगर आप परमेश्वर का सच्चा सेवक है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए इन्वेस्ट करता है, उसके लिए वॉलंटियरिंग करता है, उसके लिए दिल देता है, सब कुछ देता है, वो आपको मरने नहीं देंगे। आपकी टाइम जब तक नहीं आएंगे अलाउ ही नहीं करेंगे, छूने नहीं देंगे परमेश्वर किसी को। आपकी सिचुएशन यही है तो हम देखेंगे प्लानिंग जो बनाया उसको परमेश्वर ने तोड़ा कैसे। एस्तर में वापस जाएंगे, एस्तर अध्याय 6:10-13। राजा ने हमान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो भवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उससे उसमें कुछ भी कभी होने ना पाए। तब हमान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। उस देश की राजा को नींद नहीं आया रात को। जब आपके अगेंस्ट सातान प्लान बनाए जाते हैं, यीशु मसीह खाली नहीं बैठेंगे, वो सोने नहीं जाता, ना वो सोता, वो रेस्ट करने के लिए छुट्टी वेकेशन बनाने के लिए नहीं जाएंगे। जब आपके लिए सातान प्लान बनाए जा रहे हैं, दुष्ट प्लान बनाए जा रहे हैं, वो काउंटर प्लान बना रहे उसी टाइम। वो चेस में देखा ना, एक प्लानिंग एक आगे रखेगा, वो दस 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 आगे प्लानिंग करेगा स्ट्रेटजी, ये मेरे बेटे को ऐसे खत्म करेगा तो मैं कैसे बचाऊं, किसको लेके आ जाऊं, किसको इसके डिवाइन हेल्पर बना के भेजूं। इसलिए राजा को उस देश का नींद नहीं आया उस दिन रात। मोर्दकै क्या कर रहे हैं, एक जगह में पोल खड़ा कर रखा है, इसी में मुझे लटकाने मोर्दकै यहूदी को। उस दिन राजा को नींद नहीं आया। राजा ने अपनी पूरी हिसाब किताब पुराना 10 साल की रिकॉर्ड निकाला, देखा मोर्दकै ने राजा को एक बार बचाया था, राजा की दो गांड राजा को खत्म करने का प्लान बनाया था, बट मोर्दकै ने सुना था ये प्लान, वो राजा को बता दे। इस कारण मोर्दकै ने राजा को बचा, बट राजा ने उस टाइम उसको तोहफा नहीं दिया। बहुत बार आपकी लाइफ में आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तोहफा इमीडिएट नहीं मिलता तो परेशान होता ना, बट वो तोहफा एक टाइम के लिए बचा के रखता है परमेश्वर, टाइम में वो रिलीज करेगा। बेटा उस टाइम नहीं है, तेरा ताली बजाने का टाइम आने वाला है, तेरा प्रमोशन अभी नहीं, तो मेहनत करते जा रहे ना 10 साल से, टाइम आने वाला है आपके लिए मैसेज। अगर आपको लगता है ना तोहफा रिलीज नहीं हो रहा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं बहुत टाइम से, तोहफा जिसको रिलीज करना है उसको उस दिन नींद नहीं आएगा जब तक आपको आशीष नहीं करेंगे, जब तक आपको अनुग्रह नहीं करेंगे। आपकी बॉस को नींद नहीं आएंगे, आपकी कॉम्पिटिटर को नींद नहीं आएंगे, आपका पैसा खा के जो बैठा उसको नींद नहीं आएंगे, परेशान कर रखा है उसको नींद नहीं आएंगे, आपके लिए अगेंस्ट खड़ा है उसको नींद नहीं आएंगे। परमेश्वर ने राजा का नींद उड़ा दिया, खत्म कर दिया। फिर हामन भाई साहब से पूछा, भाई ये बता जिसने राजा को बचाया उसके लिए क्या अवार्ड दू। हामन ने पूछा अब मेरा अवार्ड आने वाला है। उसने बोला आपने पहनाया वो एक कपड़ा और घोड़ा और पूरी देश में पूरी सिटी में देके अनाउंस भी कर लो भाई ने मुझे इस बंदे ने ये काम किया। हामन ने राजा ने बोला ठीक है भाई, मोर्दकै ने ऐसे काम किया, उसके लिए यही काम किया करो। स्वीट रिवेंज सुना आपने, स्वीट रिवेंज, रिवेंज क्या होता है, स्वीट रिवेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्यार से मीठा से नहीं, उसका वर्ड नहीं है मुझे लगता है, उसके लिए मीठा वाला नहीं है स्वीट रिवेंज। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ आएंगे। जिस बंदा आपको बोला भाई साहब तेरी परिवार गरीबी में रहेगा, तेरी जिंदगी से कुछ नहीं आएगा, तू साइकिल छोड़ सात तक बोले सकता, उसके सामने आप 5 साल में मेहनत करते हैं गाड़ी में बैठा जाएगा, उस बंदा देखेगा 2 मिनट ऐसे देखेगा, उस टाइम आपको जो फीलिंग आती है ना उसको स्वीट रिवेंज कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो IAS बन के खड़ा होएगा, उसी के सामने वो एप्लीकेशन लेके जाएगा, चाचा मेरा 500 रुपए महीने का पेंशन एप्लीकेशन करो, और आप रेकमेंड करेंगे हाँ जी हमारी पड़ोसी बेटा जरा एप्लीकेशन करवा। उस टाइम आपकी दिल में जो प्लेजर आएगा ना उसको स्वीट रिवेंज कहता है। आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, परमेश्वर करके दिखाएगा। कौन सी चर्च जा रहे हो तू, आजकल धर्म बदल दिया, 5 साल के बाद उसी बंदे आएगा यार मेरा बेटा डाइवोर्स होने वाला, बेटी डाइवोर्स होने, जरा कौन सी चर्च जाता है तू। उस टाइम आपको जो प्लेजर आता है चल बेटा भैया, आप उसी टाइम अच्छा चेहरे में दिखाएंगे, चल मैं प्रार्थना करवाऊंगा, बट आपको पता है उस टाइम स्वीट रिवेंज, ये भी स्वीट रिवेंज हुआ था। परमेश्वर मजा लेते हैं बहुत बार,
हमारे साथ भी लेगा, हमसे पंगा लेने वाले के साथ भी मजा लेता है वो ऐसे करके उसको और तरीके से भी बचा सकता था ना, बट जिसने वो पोल खड़ा कर रखा है उसी के हाथों से हार पहनाया, उसी के हाथों से दिया। जिस बंदा आपको बोलता है कुछ नहीं होगा तेरी परिवार से, तेरे को राइट ऑफ किया गया परिवार खानदान सब, 10 साल के बाद आपके लिए कोई पूछताछ नहीं है, एक दिन अचानक आप प्रश्न वापस आएंगे मर्सिडीज में, बैठो सिस्टर जी, अचानक आप मर्सिडीज में आएंगे, वो देखेगा भाई हो क्या आए, हमें सोचा था ये तो खानदान से ओवर है, खत्म है, बच्चा हमारे परिवार में सबको दो दो बच्चे, ये तो बांझी रहेगी तेरी बीवी, बट वो तो ट्विंस लेके आ रहे दोनों हाथों में, बोले ये क्या हुआ भाई, स्वीट रिवेंज। मेरा मैसेज आज का हुई है स्वीट रिवेंज करेगा, किसके लिए एप्लीकेबल है ये, अगर आप पसी में चलता है तो चुगलखोरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दारूबाजों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, लड़कीबाजों के लिए आदर्श नहीं हो सकता, चोरी करते हैं तो एप्लीकेबल नहीं है, आप तो लटका ही जाएंगे उनकी प्लान में, आप फंसेगा, पवित्रता में चलेंगे आप, चुगलखोरी करेंगे नहीं, परमेश्वर के प्रोसेस में चलेंगे, फिर आपको बचाया जाएगा परमेश्वर, इसको बचाया भी, ए तो हो गया रेस्पेक्ट दे दी, इज्जत दे दिया, बचाया कैसे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे पूरा इस तरह का अध्याय, इस तरह का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पूरी कहानी कैसे होगी, इसको बचाया कैसे। हमान को मृत्यु दंड। अत राजा और हमान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से पूछा, हे एस्तर रानी तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाए तो क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा कदी तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं, यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस देश में मैं वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता सकती। तब राजा श्रेयवर्ष ने ऐसा रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। ऐसा ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। तब हमान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भर कर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हमान ये देख कर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, ऐसा रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा कि हमान उसकी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बर्बाद करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हमान का मुंह ढाक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक राज एक ने राजा से कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचे फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दक के लिए बनवाया है जिसने राजा की हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हमान उसके खंभे पर जो उसने मोर्दक के लिए तैयार कराया था लटका दिया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। आमीन। देखा परमेश्वर ने प्लान कैसे बनाया, डिवाइन हेल्पर के रूम में एस्तर को ऑलरेडी बिठा रखा है राज्य में और राजा के पूछ रहा, भाई तेरे को चाहिए क्या, बोले जी ये बंदा हमें परेशान कर रहा है, मोर्दकाई चुपचाप बैठा हुआ है, सही कार्य कर रहा है, उसको पता भी नहीं है उसके लिए कहीं पोल लटकाया गया, उसको मारने वाला है। आप परेशान होने के टाइम में परमेश्वर के प्रोसेस में बैठना, प्रार्थना करना, उसका काम है सेटिंग करना, कहां से क्या करना, पवित्र जीवन जीते जाओ। जब रानी ने बोला राजा उठ के चला गया, राजा ने 2 मिनट तो सोचा होगा, ठीक है मैं सोच के आऊंगा, रानी को मना हो गया यार इसको मारो मत, बट जब राजा वापस आया क्या देखा, वो तो उसका पैर पकड़ रहे थे बट राजा ऑलरेडी दारू में था, दारू को क्या लगा इसके ऊपर तो हावी होने जा रहे भाई। जब जो राजा ने देखा नहीं वो परमेश्वर ने दिखाया, बोलिए बस इसको लटकाओ इसमें,
तब उसका ऑलरेडी एक चेले ने बोला आज हम इसको पार्टी में लेके जाने के लिए जो आपने भेजा था इसके घर में, हमने इसके घर पे देखा एक लड़का पड़ा हुआ है, चल बेटा उधर ही लगा, धीरे मत कर, जो गड्ढा बना के बैठा रहेगा तोड़ने के लिए कोशिश करेगा परमेश्वर उसी को उसी में लटकाएगा जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग बना रखा तू। कोई हामन होगा, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम वही होगा। हम किसको आराधना करते हैं? मोर्दकाई की परमेश्वर, दानियल की परमेश्वर। और जिसको ऑलरेडी कुर्सी में बिठाना है, परमेश्वर ने ऑलरेडी कुर्सी में बिठा चुका है। आपकी डिवाइन हेल्पर, मुझे एक गाड़ी पसंद है नेक्स्ट लेने के लिए। जब भी वो गाड़ी मार्केट में जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को या साथ में बोलता हूँ, भाई हमारी जो गाड़ी है ना, उसकी लोहा अभी कहीं कहीं ना कोई खनी से अभी निकाल रहा है, मतलब उसकी लोहा की परचेस ऑर्डर जाने वाला है, उसकी रिसर्च चल रहा है अभी, कौन सी लाइट फिट करूँ, मतलब बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी मैं बहुत बार बोलता हूँ गाड़ी इस साल में लेंगे और नेक्स्ट वाली गाड़ी, बट उसका ऑर्डर जा रहा है, उसकी डोर में क्या कलर फिटिंग होना है, हो सकता है उस साल की एडिशन में इंजीनियर ऑलरेडी बैठ के प्लान बना रहा होगा। परमेश्वर भी आपकी नेक्स्ट प्लान के लिए, नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए प्लान बना रहे हैं। कहाँ से आयन आएंगे आपकी घर की पिलर के लिए? सीमेंट कौन सी कंपनी का बनाऊं? कंपनी से ऑलरेडी बात कर रहा होगा, भाई साहब इनके लिए बेस्ट सीमेंट का प्लानिंग करो। बीमारी से बचाने के बाद उसको कौन सी नौकरी दूं? मियां बीवी दोनों सेट होने के बाद क्या आशीष दूं? अगला लड़का कौन सी लेके आऊं इसके बच्चों के लिए? तो क्या कंपनी, जब परेशान होने के टाइम मैंने आपको दो बुधवार भी यही बताया, दानियल को बचाया, जिसने गड्ढा खोदा उसी गड्ढे पे, यही दूसरी गड्ढा बनाया उसी पोल में, दूसरा पोल बना सकता, उसको खत्म कर सकता, राजा गला उठा सकता है, राजा परमेश्वर रिवेंज भी लेगा, स्वीट रिवेंज भी लेगा। हमारे द्वारा स्वीट रिवेंज कराता है, वो डायरेक्ट रिवेंज लेता है, वो हमें बताएंगे भी नहीं, वो तो बहुत दंड होता है। गलत रिश्ते में नहीं है तो, गलत काम में नहीं है तो परमेश्वर करेगा। हम वर्शिप करेंगे आज, आपको एक लाइन बोल के प्रार्थना करना है, गॉड ऑफ डैनियल, गॉड ऑफ मोर्दकाई। किसका परमेश्वर है? प्रिपेयरों में आएंगे सब, खड़े रहेंगे आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। आपकी बीमारी हो, परेशान हो, सिचुएशन हो, प्रार्थना किससे करना है? डैनियल की परमेश्वर और मोर्दकाई की परमेश्वर। परमेश्वर तो आपकी सिचुएशन ऐसे हो सकता है कोई आपके लिए गड्ढा बना रहा है, बट परमेश्वर उसी गड्ढे में डालने के लिए जो आपके लिए प्लान बना रहा है उसी को प्रिपेयर करा रहा है। परमेश्वर आपके लिए अलग उन्नति में स्थान बनाते जा रहा है। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करो, दो मिनट हाथ उठा के बोलो, प्रभु जो वचन मैंने सुना मेरी दिमाग तक पहुंच पाए, जो मुझे लटकाने के लिए आए पिता परमेश्वर, मुझे लड़ने की जरूरत ना पड़े। बहुत बार मैं और आप खुद जवाब देते हैं हमारे मुंह खोल के, मैं भी करता हूं ये काम, मैं सोचता हूं मैं खुद करूंगा ये परेशान करना, मैं खुद डील करूंगा, बट परमेश्वर को हैंड ओवर करो ये। मैं और आप तो जवाब ही दे सकते हैं, वो रिवेंज दे सकता है, स्वीट रिवेंज भी ले सकता है। स्वीट रिवेंज में आपको बांट लेंगे और रिवेंज में वो डायरेक्ट करेगा आपको। जब पोल में लटकने के बाद, सुइसाइड होने के बाद, वो खत्म होने के बाद आपको दिखाएगा, भाई साहब ऐसे हुआ था तेरे शत्रु जो तेरे को परेशान कर रहा था, कोई आदमी आपका शत्रु नहीं है पर सातान की लोग है, तो परमेश्वर दिखाएगा आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले, आपके अगेंस्ट प्लान बनाने वाले। मैं नहीं जानता आपका सिचुएशन क्या है, बट हमारी लाइफ में सिचुएशंस है, परमेश्वर वचन खाली नहीं देता, वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है, हमारी दिल की कोने तक उसको एक्सेस है, वो जानता है हमारी सोचों में विचार में हम क्या समझते हैं। इस वचन आज रिलीज हुआ आपके ऊपर, गॉड ऑफ मोर्दकाई, गॉड ऑफ डैनियल, जो मेरे लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं, जो मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हमारी परिवारों को, हमारी व्यापारों को, हमारी एसोसिएशंस को, हमारे करियर्स को, हमारे बच्चों को, हमारी फ्रूटफुलनेस को खत्म करने जा रहे पिता परमेश्वर, तू डील कर पिता परमेश्वर। एस्तर ने प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा हुआ एस्तर जब राजा की प्रेजेंस में जाने के पहले अपने लोगों को बताया फास्टिंग में रहेंगे, मैं जा रहा हूं, मैं मर के भी आ सकता है, मर भी सकता है, बट तुम लोग प्रार्थना करो मेरे हाथ मेरे लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो। बहुत बार हमारी काम हो ये प्रार्थना करना है, करना उसको है। आपका काम है, हो सकता है माइक उठा के खड़ा रहना है, आपकी काम है उस दुकान खोलना है, आपकी काम है आप जॉब में डेली जाना है, उन्नति वो देगा, बढ़ोतरी वो देगा, कस्टमर वो लेके आएगा। आपकी काम है प्रार्थना करो, आपकी घर बंद है वो खोलेगा, आपकी रिलेशनशिप आ रही है सक्सेस नहीं है परमेश्वर आएगा। आप बस अपनी स्ट्रेटजी लगाना बंद करो, सिर्फ टाइम अपनी दिमाग सिंपल होके परमेश्वर की प्रोसेस में आओ। हम उस परमेश्वर की आराधना करता है जो कमरे में बैठ के शत्रु प्लान बनाएगा, वो हमें समझाने वाला परमेश्वर है। इजराइल की फिलिस्ट एनिमी उस टाइम सोचता था इनको कैसे पता चलता है हमारी प्लान है,
किसी ने बोला उनकी परमेश्वर ऐसा है जो हम कमरे में बनाए जाते हैं उसको कान में बताता है उनकी प्रोफेट्स की द्वारा, उनकी भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उसी टाइम वो आर्क ऑफ कवेनेंट इजराइल के पास था, तो शत्रु सोचते हैं आर्क ऑफ कवेनेंट हम चोरी करके ले जाएंगे। आज जो आर्क ऑफ कवेनेंट हमारे पास है वो कोई नहीं चोरी करके ले जा सकता। हमारी दिल में यीशु मसीह की प्रेजेंस है। हम जेल के अंदर जाएंगे, उस घंटे में गिरेंगे, वो स्वर्गदूतों के साथ प्रेजेंस के साथ हमारे पास है, कोई नहीं उठा के ले जा सकता। आपकी एनिमी को सीक्रेट पता नहीं चलेगा आपका क्या है। आराधना में चले परमेश्वर को, बोल दे प्रभु तू मेरे साथ साथ है, तू मेरी संग संग है। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं आपको। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, अगर आप ओल्डर में तो ओल्डर में रहेंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं अभी। एज़ेकियल की किताब 29 3 से लेके पढ़ेंगे, एज़ेकियल किताब 29 अध्याय 29 3 से लेके। मैंने कल रात प्रार्थना में था, मैंने एक विजन देखा, समुद्र से घोड़े की चेहरा और नीचे फीमेल बॉडी, तीन व्यक्ति समुद्र से चल के आया। मैंने ऐसे विजन देखा, मैंने पूछा परमेश्वर इसका मतलब क्या, फिर पूरे रात बैठ के मैंने रिसर्च किया। स्पिरिचुअल वारफेयर में मुझे भी एक फर्स्ट टाइम नॉलेज मिला। हम सोचते हैं सातान केवल धरती का ही राजा है, नहीं, उसको अधिकार समुद्र में भी है। आपने अगर आप बाइबल में एक स्पिरिचुअल वारफेयर में मराइन किंगडम, मराइन क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर, मराइन बोलता ना, तो बहुत सारे ऐसे सातान की पावर मराइन में भी। मैंने फिर बाइबल में ऐसे वर्ड्स ढूंढा, फिर मुझे पता चला परमेश्वर उसकी अगेंस्ट भी वर्ड्स दे रखा है। अगर सातानी किंगडम जो पानी से रिलेटेड आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वाटर से रिलेटेड, आपको कोई पानी पिलाया गया, खाना दिया गया, उस ताकत को भी इसी टाइम तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर के पास क्या ताकत है। जो पानी में जो मछली है, पानी हटाया गया तो मछली क्या होगा, मर जाएंगे। परमेश्वर जो सातान की जो मराइन किंगडम है, जो पानी के द्वारा ऑपरेट करता है, उसके अंदर जो कंट्रोल है, उसके अगेंस्ट ये वर्ड्स है परमेश्वर का, पढ़ ले। ये कहे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में अकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियां समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझसे तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार परमेश्वर ये कह रहे जो वाटर किंगडम है, मैं पानी खत्म करूंगा, तेरी जौ में मैं हुक डाल के तुझे खत्म कर सकता हूँ। उस परेशानी जो वाटर से रिलेटेड है, जो मैं जब पढ़ रहा था परमेश्वर ने मुझे एक और चीज बताया, जहां ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल सीन होता है हर बार बीच के पास होता है, गोवा थाईलैंड हर फेमस प्रोस्टिट्यूट ब्रोथल्स वेश्या घर सब पानी के पास है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, ये सातान किंगडम रिलेटेड है। उस एरिया गोवा अच्छा जगह, लोग घूमने जाते हैं, बट सबसे ज्यादा सेक्सुअल रैकेट सेक्सुअल सीन्स कमिट किया जाता है। थाईलैंड हवाई ऐसे ऐसे जगह, तो सातान किंगडम की एक बहुत बड़ा टारगेट है सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसके द्वारा खत्म करने की कोशिश करेगा। आदमी लोग बचते रहो, लेडीज भी हो बचते रहो इस पाप से, जो लास्ट में समटाइम्स आप में से बहुत सारे लोग विक्ट्री पाने वाला है, जीतने वाला है, और जो लास्ट अटैक है सेक्सुअल अटैक, वो उस सातान की उस एंजल हैंड ओवर करता है, मराइन किंगडम से रिलेटेड है। जब सब कुछ बचता है वो अपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी निकालता है। आपका जीत दो दिन 98% हो गए, 100% में बस खत्म होने वाला है। चलो परमेश्वर को बोल दो प्रभु, आपके से बहुत सारे लोग ऊपर से जा रहे होंगे, दो मंदिर को तीन मंदिर को समझ आएंगे, बट जिसके लिए समझ आ रहे उन्हीं के लिए वचन है। जब मैंने सुबह जब प्रार्थना किया, मैं और दिन शेयर करूंगा, परमेश्वर ने बाइबल से एक वर्ड दिया, मैं जब पढ़ा बाइबल में से बहुत बार वचन को वचन से काटा जाता है, मैंने देखा उसी टाइम वो तीनों जो लड़कियां सिर अपनी नीचे करके वापस समुद्र में घुस गया। मैंने बोला सातान तू 12 घंटे भी नहीं रुक पाया,
परमेश्वर ने पूछा जब आप वचन को वचन से काटेंगे जितनी भी सातानिक ताकत आपके अगेंस्ट 12 घंटे भी लड़ने के लिए नहीं आएंगे। रात में विजन दिखाया, 4 बजे मैंने प्रार्थना में बैठा, मैं सोच के बैठा, रिसर्च किया, जब परमेश्वर ने उस वर्ड्स दिखाया, जैसे वर्ड्स पढ़ा यही देखा दोबारा अपनी सिर लटका के हुए खत्म। अगर आपको जीत चाहिए, विक्ट्री चाहिए सातान के अगेंस्ट, अंधकार के अगेंस्ट, आपके लिए आए जाएंगे, भेजे जाएंगे, बट उस सिर लटका के बॉम्ब आपके अगेंस्ट फेंके जाएंगे, बट उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, फटेंगे नहीं, रॉकेट आपके लिए लॉन्च हो जाएगा बट उन्हीं की टेरिटरी में गिर जाएंगे। आपके अगेंस्ट सातान सबसे बड़ा तीर फेंकेंगे खाने के द्वारा, वापस आने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप्स, जो आपने 10 साल पहले बोला मेरे को हाथ नहीं रखना, चोरी मुझे हाथ नहीं रखना, दोबारा वो ट्राई करेगा। आज प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर से बोलते प्रभु मेरी प्रार्थना को तो स्वीकार कर, और मुझे जो जादू टोने के द्वारा जो पानी में से मिला के मुझे खिलाया पिलाया सब चीज आउट हो परमेश्वर, जो मैं जो चीज अंडरस्टैंडिंग मुझे है उसकी 10% मैं समझा रहा हूं। ये एक और दिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो मराए किंगडम के ऊपर टीचिंग लेंगे, बट ये 10% बात, 10वीं एक या 2% बात समझा रहा हूं, जो कल रात जो रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे बताया समझाया। आज इसी टाइम में आपको प्रार्थना करने के टाइम क्या प्रार्थना करना है, परमेश्वर तू इज़ेगायल 29 में उस फरो के अगेंस्ट, उस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट, उस शत्रुओं के अगेंस्ट जो आपको खत्म करने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट भी ताकत रखने वाला है। शत्रु का जो फल क्या है, शत्रु का जो ताकत क्या है, एनर्जी क्या है, पानी है। परमेश्वर उस पानी को मैं ड्राई करूंगा, तुझे उठा के मैं डेजर्ट में डालूंगा। आपकी शत्रु को उठा के परमेश्वर डेजर्ट में डाल सकते हैं, जब तक उसको फीड करने के लिए कुछ मिलता नहीं है मर जाएंगे। उसकी जो स्वादिष्ट जो आपकी जिंदगी खाते जा रहे हैं, आपकी खून पीते जा रहे हैं, आपकी व्यापार खत्म होते जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की लाइफ खत्म करने के लिए जो भी उसका फूड है वो फूड खत्म करेंगे। मछली के लिए क्या है, वो पानी था। जब तक हटाया जाएगा, पानी हटाया जाएगा, जादू टाने के इफेक्ट आपकी जिंदगी से हटाया जाएगा, फिर उसका कोई सक्सेस नहीं है, ऑटोमेटिकली मर जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। तो आज प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर से प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, मेरी आराधनाओं को स्वीकार कर, और आउट हो प्रभु हर ऐसे शक्ति, हर ऐसे ताकत मेरी लाइफ से आउट हो। इसी टाइम हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपको अपनी आंखों को उठा के अपनी परमेश्वर के ऊपर दोनों हाथों को उठा के प्रार्थना कर दो। परमेश्वर हर चीज जो पानी से रिलेटेड, जो मराइन किंगडम से मेरे अगेंस्ट सातान अंधकार दुष्टात्मा भेज रखा है पिता परमेश्वर, तेरी फायर उसके ऊपर आए पिता परमेश्वर। हर ऐसे शक्ति, हर ऐसे दुष्ट की ताकत जो पानी से रिलेटेड शत्रु है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूं आपके लिए किसके लिए रिलेटेड है। आपको कुछ दिखाएगा परमेश्वर इसी टाइम में, आपको बताएगा इसी रिलेटेड इसके इसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, इस बात के बाद परमेश्वर अपनी क्लेंस करेगा आपके लाइफ को उसके लहू के द्वारा। हर ऐसे मगरमच्छ, हर ऐसे मॉन्स्टर जो आपको खत्म करने कोशिश करेगा उसका पानी, उसकी फूड और परमेश्वर बंद करेगा, उसको डेजर्ट में डाला जाएगा। अभी डिक्री करो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो अपने ऊपर परमेश्वर, हर जादू, हर टोने के इफेक्ट जो मराई किंगडम, जो सातान की उस किंगडम से रिलेटेड पिता यीशु के नाम से कास्ट आउट करता हूं पिता परमेश्वर, आउट 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 हमारी जिंदगियों से, हमारी परिवारों से, हमारी रिलेशनशिप से, हमारी फैमिलियों से, हर स्पिरिट जो मराई किंगडम से रिलेटेड है, सातान की सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है, यीशु के नाम से आउट पिता। हमें पवित्रता में लेके चलने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें खत्म करने के लिए हर ऐसे डिजायर आउट आउट आउट, पवित्रता में चलने के लिए हमारी जिंदगी में आता आउट आउट आउट, यीशु के नाम से आउट। अपने मुंह खोल के बोलो आउट आउट आउट, घोषणा करो अपनी बच्चों के ऊपर, घोषणा करो। आपकी बच्चे जो संडे स्कूल में बैठे हैं वो घोषणा नहीं कर पा रहा, आप घोषणा करो उनके लिए परमेश्वर, हर चीज जो मेरे बच्चों के लिए जादू उठाना से आप बाहर आ गया, उस शत्रु से आप बाहर आ गया, आप बस जीत पे रहेंगे। उस डिजायर, मैं आदमियों से बात कर रहा हूं,
खत्म करने के लिए आपके पीछे है। सातान अपनी लोग भेजा जाता है, जेसेबल स्पिरिट भेजा जाता है आपको खत्म करने के लिए। कलिशिया में एंटर होंगे, आपके ऑफिस में एंटर होंगे, आपकी व्यापार स्थापन में एंटर होंगे, आपके रिलेटिव्स के द्वारा आ सकता है। बचा के रखो, जितनी भी औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना करो इसी टाइम, अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए प्रार्थना करो। हो सकते हैं आज 5 साल का आपके साथ बैठता होगा आपकी बेटा, बट उसकी जिंदगी में जो किंगडम आपके ऊपर हावी नहीं हो पाया, आपको हस्बैंड को खत्म नहीं कर पाया, आपकी बेटे के ऊपर उसका नजर हो सकता है, उसकी शादी तोड़ेंगे, आपकी लाइफ खराब करेंगे। बोले परमेश्वर आउट आउट आउट, हर ऐसे डिजायर जो मेरे बच्चों के जिंदगी में, मेरे हस्बैंड को बचा, मेरे बच्चों को बचा, हर मेल को हमारी परिवार में बांध के रखता हूं मेरा परमेश्वर, उनको जीत ले। आप प्रेयर पार्टनर बन के अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो, अपने लड़के के लिए प्रार्थना करो, बांध दो अपने यीशु के लहू में, आउट बोल के हुए हमारी बेटियों के ऊपर जैसे हावी ना हो पाए, हमारी खानदानों में परि जिंदगियों से हर प्रोस्टिट्यूट हर वेश्या की स्पिरिट हट जाए यीशु। सातान कोई ताकत लेके ना पाए, आपकी वाइफ के लिए प्रार्थना करो, बेटियों के लिए प्रार्थना करो, बहनों के लिए प्रार्थना करो। सातान उनको जेसेबल स्पिरिट के द्वारा उनको उस प्रोस्टिट्यूशन की आत्मा में घुस ना जाए, उसको एफेक्ट कर ना पाए, पिता हर चीज महिमा दे पाए पिता परमेश्वर। सातान की हाथ की इक्विपमेंट हमारी बेटियां, हमारी वाइफ, हमारी बहन लोग बन ना पाए पिता परमेश्वर। मैं बता रहा हूं सीरियस प्रेयर है, प्रार्थना करो, बांध दो अपनी प्रेयर में, बांध दो यीशु का ला, आपने आउट करा दिया उस स्पिरिट की, उसकी पावर को आप इसी टाइम में बांध लेगा। अब आराधना के साथ बांधो, पिता तेरे लोग हर एडिक्शन के अगेंस्ट जीत पाए पिता परमेश्वर, हर डिजायर जो सेक्सुअल हो, फाइनेंशियल हो, लस्ट हो, उनके ऊपर जीत उनका हो पिता परमेश्वर। हमारे मेन को, हमारे विमेन को, हमारे बेटियों को, बेटों को, सबको तेरे लहू में बांधता हूं पिता परमेश्वर। पिता हर डिजायर तेरी अंडर हो, तेरे कंट्रोल में हो पिता परमेश्वर। पिता डिजायर तू देता है, बट पिता आउट ऑफ कंट्रोल होता है पिता परमेश्वर, लोगों उनको खत्म हो सकता है पिता परमेश्वर। पिता हर जेसेबल स्पिरिट के अगेंस्ट हम बात करते हैं पिता परमेश्वर इसी टाइम में, जो हमें खत्म करने आता है पिता, इसी टाइम में हर जादू टोने के इफेक्ट जो हमारे पानियों के द्वारा, खाने के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर घुसा है पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से हम आउट करते हैं पिता परमेश्वर। पिता इसी टाइम में उसके इफेक्ट आउट हो पिता परमेश्वर, हीरो से हमारी स्पिरिचुअल शरीर से, हमारी फिजिकल शरीर से आउट आउट आउट, हर इफेक्ट आउट हो पिता परमेश्वर। हर पाप को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। पिता सातान की चाल चला हम जानते हैं पिता परमेश्वर, वो ट्राई करता है पिता परमेश्वर, वो हर बार ट्राई मारता रहता है, जो पाप 5 साल पहले किया दोबारा उसका टाइम लेके आता पिता परमेश्वर। हमारी लोग बहुत बार सोचते हैं उसमें जीत पा चुका है, बट उसी टाइम जब वो नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है, जब 100% तेरी पास अचीवमेंट लेके आने वाला है पिता परमेश्वर, फल लेके आने वाला है, उसी टाइम में दोबारा वो सेम पाप उनको 5 साल पहले गिराया वो दोबारा गिराता है। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इसी कलिशिया में जो लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आवाज सुन पा रहे पिता परमेश्वर, सातान की उस चलाकी आइडिया में फंस ना जाए पिता परमेश्वर। पिता जब सातान आइडिया लगाएगा, लोगों को लेके आएगा, पिता तेरी अभिषेक अनॉइंटिंग बुद्धि सामर्थ्य उनको बचा के रखेगा, स्वर्ग दूध उनका लेफ्ट और राइट रहेंगे पिता परमेश्वर, हमारी आदमियों के बीच में, हमारी हमारी औरतों के बीच में, हमारी बेटियों के बीच में, हमारी बेटों के बीच में पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस रहेंगे पिता परमेश्वर। पिता हम प्योर होके तेरे सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं पिता अपने आप को। पिता मदद कर, हर आदमी को मदद कर इसमें, और संघर्ष कर पा रहे पिता परमेश्वर। पिता मदद कर, मदद कर, मदद कर, पोर्नोग्राफी से बाहर आने के लिए मदद कर, हर पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को आउट आउट आउट, पूरी कलेशिया हम बोलेंगे आउट। हो सकते आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, आपके परिवार में आप जानते नहीं आपके लोग कौन कौन एडिक्टेड है ब्लू फिल्म में, पोर्नोग्राफी में, आउट आउट आउट, इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को हमारी किसी को छू ना पाए, आउट आउट आउट, हर स्पिरिट आउट, यीशु 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 तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम अभी अपने आप तैयार हो रहे पिता परमेश्वर, हमारी दशांश, हमारी ऑफरिंग्स लेके तेरे प्रेजेंस में आने के लिए पिता परमेश्वर। पिता मदद कर, यीशु मदद कर, बैठेंगे एक मिनट। अपनी ऑफरिंग्स देने के पहले परमेश्वर भी अपने अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया में काम करने के लिए बांट रखा है।
कुछ लोग हॉस्पिटल्स के बीच में जाके सुसमाचार सुनाते, कुछ लोग इवेंजलिज्म करते केवल, कुछ लोग पॉलिटिशियंस के बीच में सुसमाचार करते, जॉनी लिवर जैसे कुछ लोग बॉलीवुड में सुसमाचार करते, उनके कुछ लोग व्यापारियों के बीच में, ऐसे भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज की बिजनेस एज ए मिशन, बिजनेस व्यापारियों के बीच में मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह का सेम स्ट्रेटेजी कौन कॉपी मारता है? सतान। सतान बस कॉपी पेस्ट वाला बंदा है, उसके आइडिया नहीं है, वो देखता है आइडिया इंप्लीमेंट करता है। परमेश्वर का लोग भी है मीडिया में काम करने वाले लोग, मीडिया में परमेश्वर ने अपने लोगों को घुसा रखा है, वही लोग चला रहे हैं, गॉड टीवी चला रहे हैं, कोई परमेश्वर कोई मीडिया में जॉनी लिवर काम कर रहे हैं, और भी बतेरे लोग। रिसेंटली लारा दत्ता का भी टेस्टिमोनी हमने सुना, उसका भी गवाही सुना। सेम वे सातान भी अपने लोगों को मीडिया में डाल रखा है। कहां पे? मीडिया मतलब फेसबुक, टीवी चैनल्स, गाने। उसी सातान के लोग गाना जो सुइसाइड करने का गाने को भी ग्लोरीफाई करता है ना, हमारे बच्चे भी चाहते हैं मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, अच्छे आवाज सुनता है बट कौन लिखते गाना। सातान गुस्सा रखा है काम करने के लिए, जीना नहीं मरना नहीं, आपको बहुत अच्छा सुनने में लगेगा बट सचमुच बाइबल की अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड का गाना है वो नहीं है। मैं शराबी तू शराबी गाना बाइबल स्टैंडर्ड का है। सातान गुस्सा रखा है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताया, सेम वे सातान फेसबुक आजकल सबसे बड़ा टूल क्या है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए? सोशल मीडिया। जो लोग जो चीज आजकल जो चलता है, जैसे कपड़े आजकल जो फैशन चलता है सब वो भी पहनना शुरू होता है ना, सातान भी देखता भाई साहब आजकल चल क्या रहा है, टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, अच्छा सोशल मीडिया मैं उधर भी घुसूंगा। उधर भी घुस के वो टारगेट बनाता है, हम क्या वीडियो देखते हैं, अच्छा इसको वीडियो देखना पसंद है, 10 वीडियो सेक्सुअल वीडियो और डालते जाएंगे, पहले फनी क्लिप के रूप में आएंगे, आप देखते रहेंगे, फिर सीरियस होंगे, फिर सीरियस में जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया अच्छा टूल है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, सातान भी अच्छा यूज कर रहे हैं इसको। आप फंस गया सोशल मीडिया के द्वारा पोर्नोग्राफी में जाएंगे, क्योंकि आजकल इसको खत्म कर परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए जरूरत है। हम प्रार्थना करते थे उधर उधर के लिए, सोशल मीडिया में जो सातान घुस चुका है उसको खत्म होना है। एक टाइम टीवी रेडियो इन्फ्लुएंस करते थे, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। हंडी पुलिस बुला लेगी, किसने लिखा था वो गाना गाया भी? हनी सिंह। आज गाया दारू पी के नशेबाजी में खत्म है, खुद मरा पड़ा है, कहीं आने कोशिश करता है। हमारी बंदे वो गाते हैं बच्चों को पार्टी में, उसी गानों से नचवाते हैं, उसी पैरों से जो यीशु मसीह का गाना गा के आराधना करना है। दो बंदे गाएं हम भी जाएंगे गाएंगे, ये पता नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सातान ऑलरेडी आपकी बेटी को टेस्ट दिलवा रहा है, तेरे को ऐसे बीट पसंद है ना, ऐसे बीट वाला गाना मैं करवाऊंगा। इसलिए मीडिया की अगेंस्ट, मीडिया में जो सातान की इन्फ्लुएंस है उसके अगेंस्ट प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप हर बार सोशल मीडिया यूज करते हैं, बी केयरफुल, थोड़ा सा कपड़ा हटा के दिखाएगा आप देखेगा एंटर हो जाएगा, उसी टाइम बताइए मेरी लाइव वीडियो नहीं, आगे जाने मुझे, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, नजर नहीं देना उस जगह में। मैं भी सोशल मीडिया अच्छा यूज करता हूँ परमेश्वर का राज्य के लिए भी, कभी एंटरटेनमेंट है, कभी खाली बैठता देखता भी है खूब, बट सही इस्तेमाल करना। ये आज घुसने के लिए सातान अपनी किंगडम में अपनी लोगों को बिठा रखा है, लोगों को आइडिया देता है। नया ट्रेंड आ गया कार्टून सेक्स, आपको लगेगा बच्चे बैठ के देख रहे हैं, माँ बाप मोबाइल उठा के देख लिया उनको, आपको नहीं पता, आपने सोचा ये 5 मिनट तो खाली बैठेंगे। मैंने ऐसे क्लिप्स देखा कार्टून, बच्चों को किंग प्रिंस अच्छा लगेंगे, उसी प्रिंस ने इसको रेप किया, प्रिंस रेप करता है, ये सब वीडियो से हम देखेंगे, हमें तो ग्राफिक्स दिख गया तो कार्टून है ना। आपने जो कार्टून नहीं देखा बच्चों को अलाउ नहीं करना। बहुत सारे माँ बाप मैं देखता हूँ 2-3 साल का लड़का दूध या खाना नहीं खाएंगे जब तक मोबाइल हाथ में नहीं होता। लोग मुझे बोलते हैं उसके बाद इसके बिना तो हो खाता ही नहीं है, बोलते मेरा भी भाई साहब 3 बच्चे 2 नहीं 3 है, किसी को मोबाइल की एडिक्शन डालवाए नहीं, जब तक मैं कंट्रोल करूंगा मैं कंट्रोल करूंगा, खाने की जरूरत नहीं है, मत खा बाद में जब भूख लगे तब खाना, मोबाइल दे के नहीं खाऊं खिलाना। आपको नहीं पता होना, आप सोचेंगे आप किचन में काम कर रहा है ये बेटा बैठ के देख रहा है, वो कार्टून सेक्स देख रहे हैं, 50 चीज देख रहे हैं। आजकल माँ बाप को बहुत घमंड है, मेरा बेटा अपना फेसबुक निकाले जाता है, उसको यूट्यूब का साइन पता है जी,
गवंडी रीज में कौन सी आफत हो गया, मोबाइल अपने आप ऑपरेट कर रही, इसमें प्राइड मत लो, घमंड मत लो। सातान की एक किंगडम आप आपने हर जगह बांध रखा है प्रार्थना में, एक जगह आपने एंट्री दिया सोशल मीडिया, इसलिए आदमी को खत्म कर सकता है, औरत को खत्म कर सकता है। ऐसे से विमेन पोर्नोग्राफी में एडिक्टेड होके विमेन गवाही दे रहे हैं आजकल, मैं बच गया जी। हम वो सोचते हैं पोर्नोग्राफी आदमी नहीं, विमेन आके टेस्टिमनीज दे रहे हैं, मैं एडिक्टेड था सोशल मीडिया के द्वारा। शुरू कहां से होता है, इसलिए आपको देखना है, प्रार्थना करना है, अपनी प्रार्थना में बांध के रखना है। गलत हर चीज के ऊपर नजर होना चाहिए, घर का कुत्ता होना चाहिए आपको, कुत्ते को पता होता ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप परिवार का कुत्ता बन के बैठना पड़ेगा, मेरे घर पे कौन एंट्री है कौन जा रहा है, बच्चा क्या देख रहा है। जब तक आपको कुत्ता भी रिटायर होता है ना 1 साल 10 साल के बाद, आपकी बच्चा 15 साल 20 साल के तत्व को फिर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, फिर बोल सकते बेटा मैंने पढ़ाया कराया ये तो हो गया, अब तेरे को अकेला जा देखो मरो जियो। अब आपकी अंडर में कंट्रोल में परमेश्वर ने दे रखी है। सोशल मीडिया एक टूल सातान यूज कर रहे हैं, एक टाइम ये था लेडीज सीरियलों में बैठते थे सुबह से शाम तक परिवारों में, और सबसे ज्यादा सीरियल कौन सी बिकता है, बहू सास की लड़ाई, क्यों सास ने कुछ बोल दिया बहू को वही नजर आता है, अच्छा इसने भी ऐसे स्ट्रेटजी बना रखा है मुझे परिवार में फालतू लड़ाई। उस टाइम एक टाइम उसको यूटिलाइज करता था, आज उसको नहीं यूटिलाइज कर रहा, कर रहे अभी भी बट उसकी इफेक्ट नहीं है, हर बार हर पत्ता नहीं चलता, सातान भी जानता आजकल सोशल मीडिया यूज कर रहे इसको, इसलिए बचते रहो। परमेश्वर बोलते प्रभु मुझे कवरिंग में लेके चलो, धन्यवाद पिता।